Hi friends, welcome to Healthy Cooking, Happy Living. If you really like today's video, please subscribe to the channel, hit the notification bell for further updates of new videos. Like, comment and share. तो आज मैंने लिया मेज फ्लावर और मक्की के आटा, हेवी व्हीपिंग क्रीम, हनी और शहद और राइस फ्लावर जो चावल के आटा होते हैं। एक मिक्सिंग बोल ले लूँगी और ये मेरा खुद का DIY बॉडी पॉलिशिंग और बॉडी स्क्रबिंग पैक है। पहले ये बॉडी स्क्रब करता है, फिर बॉडी पॉलिश करता है। तो मक्की के आटा के ऊपर मैंने चावल की आटा या राइस फ्लावर डाल दिया, फिर मैं हनी डालूँगी। तो कोई ऑर्गेनिक हनी नहीं चाहिए, बट बहुत अच्छे क्वालिटी का हनी चाहिए। शहद में तो ब्लीचिंग एजेंट होते हैं और चावल की आटा और मक्की की आटा बहुत ही कोर्स होते हैं, उस पर बॉडी स्क्रबिंग होते हैं, टैन भी जाते हैं। और फिर मैं डालूँगी हेवी व्हीपिंग क्रीम। तो आप अमूल का जो फ्रेश क्रीम होता है वो भी डाल सकते हो। और ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। अभी हेवी व्हीपिंग क्रीम थोड़ा थोड़ा डाल के मैं थोड़ा थोड़ा मिक्स करूंगी और थोड़ा थोड़ा डालूंगी। ये डालने के बाद आधा घंटा आपको रखना पड़ेगा। ये मिक्सचर लगाने के बाद आधा घंटा रख के फिर ठंडा पानी से, नॉर्मल पानी से वॉश कर लीजिएगा, वॉश या नहा लीजिएगा। और फिर वॉश करने के बाद जहाँ पे भी आप लगाए वो एक घंटा, कोई मॉइस्चराइज़र, कोई क्रीम नहीं, उस दिन ही कोई क्रीम मॉइस्चराइज़र नहीं, आप एलोवेरा जेल या कोई भी जेल आपका स्किन टाइप का लगा लीजिएगा। जैसे मैं पतंजलि का जेल लगाती हूँ, एलोवेरा जेल, या ग्रोसरी शॉप का कोई भी जेल मैं लगाती हूँ। आप स्क्रीन पे देख ही सकते हैं कौन चार इंग्रेडिएंट कितना करके मैंने लिया, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे भी डाल दूँगी। ये मैं जब कॉलेज पे थी मैं तब लगाती थी, क्योंकि कॉलेज या स्कूल पे बहुत टैन होते हैं, ऑफिस पे काम करो तो टैन होता है, घर पे हम कुकिंग करते हैं तो बहुत टैन होते हैं। और जैसे बॉडी पॉलिशिंग, क्योंकि कभी कभी तो स्किन बहुत ही, मतलब बहुत ही ड्राई हो जाता है और बहुत ही रफ हो जाता है, और बॉडी का स्क्रबिंग भी बहुत ज़रूरी होते हैं। मेरा ऑयली स्किन है, फिर भी मैंने ये फेस पे लगाया तो मेरे को कभी कोई पिंपल प्रॉब्लम नहीं आया। मैं सजेस्ट करूँगी कि बॉडी पॉलिशिंग के लिए तो बॉडी स्क्रबिंग के लिए ठीक ही है, लेकिन फेस के लिए, फेस का पर्टिकुलर एक साइड पे, छोटा सा एक जगह पे आप लगा के फिर आधा घंटा रख के क्लीन करके टेस्ट कर लीजिएगा आपका स्किन टाइप पे यह सूट कर रहा है कि नहीं। अगर सूट करे तो आप वीक पे चार दिन या तीन दिन लगाओ। फेस्टिव सीजन इज नॉकिंग एट आवर डोर। अभी बंगाली का दुर्गा पूजा या नवरात्रि, आप जो भी बोलो, वो आ गए, तो सब चाहते हैं ना स्किन चमकती रहे, बहुत ग्लैमरस लगे, जो जैसे भी दिखते हो, जो जिनका जैसे भी फिगर हो, जैसे भी बाल हो, तो सभी लोग सुंदर दिखना चाहते हैं, तो ये बहुत ही अच्छा है। मैं बाहर जाके मेरा बैकयार्ड गार्डन पे जाके नेचुरल लाइट पे आपको दिखाऊंगी, क्योंकि नेचुरल लाइट पे ज़्यादा अच्छा दिखेगा। तो मैंने नेचुरल लाइट ही यूज़ किया, अंदर घर के अंदर मैंने यूज़ नहीं किया। ये लगा लिया, फिर आधा घंटा बाद स्किन कितना ग्लो कर रहा है, क्यों नहीं होगा। ये फ्रेश क्रीम का पूरा क्रीमी जो चीज़ है वो आ गया। आपके पास फ्रेश क्रीम अवेलेबल नहीं है तो आप भैंस का दूध जो होते हैं, बफेलो मिल्क, वो जला जला के थोड़ा गाढ़ा करके वो भी यूज़ कर सकते हो, उसका क्रीम भी बहुत ही अच्छा है। तो अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कीजिएगा प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय।